All right, a very good evening to all of you. Am I clearly audible and visible to you all? Okay. Very, very, very good evening. हां जी, तो रेडी हो सारे? देखो, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बिकॉज क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास 150 क्वेश्चंस हैं. आई हैव टेकन ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस एंड देयर आर लॉट ऑफ द वंस व्हिच हैव अ रिपीटेड कॉन्सेप्ट. एग्जैक्ट लाइन भी एक आधी क्वेश्चन की रिपीटेड है, मैं सच बताऊं तो. हमको ये ध्यान रखना है कि हमें फटाफट फटाफट क्वेश्चन करने हैं एंड उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लिखते जाना है कि देखो, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है और हमें ये कॉन्सेप्ट तो मिनिमम प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि आज की डेट में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वी मस्ट नो कि हमें मिनिमम कितना पढ़ना है. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ओके, सो लेट्स गेट रेडी. ओके, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन. वेरी 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 गुड इवनिंग. चले जी, तो पहला क्वेश्चन कहता है, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन. और मैंने पहले ही बताया कि क्लमाइडोमोनास क्लोरेला एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले एल्गा में इंक्लूड होते थे, बट अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि उनका हमने क्या किंगडम चूज करना है, तो जी आपने किंगडम प्रोटिस्टा मार्क करना है. इज दिस थिंग क्लियर? कि इफ एवर क्लमाइडोमोनास क्लोरेला इज आस्क्ड, यू विल मार्क प्रोटिस्टा. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर एज आस्क्ड टू देम. इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट. पहले तो ये ध्यान रखना कि इक्विसिटम के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होता ही नहीं है. इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है, उसके पास एक ही गैमेटोफाइट होता है, ना वो मेल होता है ना वो फीमेल होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी. एंड ये सीड हैबिट शो नहीं करता. इक्विसिटम इज होमोस्पोरस, ठीक है? ओनली साल्विनिया सेलाजिनेला, वो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, जो हिटीरोस्पोरस है. जिनको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, जिनको एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है, हैप्लॉइड स्टेज जो होती है, वो नहीं एग्जिस्ट करती, हाइली रिड्यूस्ड होती है. द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड दैन इन पॉलीट्राइकम. अब रिक्शिया एक लिवरवर्ट है, पॉलीट्राइकम एक मॉस है, और मॉसेस ज्यादा एडवांस होते हैं दैन रिक्शिया, तो ये बात भी गलत हो गई. ठीक है, पहली गलत, तीसरी गलत, दूसरी सही है. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज आइसोगैमस. वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा जो ऊगैमस रिप्रोडक्शन शो करता है, फ्यूकस के जैसा. द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्स लैक सेल वॉल्स. स्लाइम मोल्स में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स के पास ही सेल वॉल होता है और किसी भी के पास नहीं होता, तो एक ही बात सही है, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट, बाकी सारी गलत है. सो देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट आई कैन सी कि जिनको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, बाकी सारी बातें गलत है. पॉलीट्राइकम ज्यादा एडवांस होता है, वॉलवॉक्स ऊगैमस शो करते हैं, स्पोर्स और स्लाइम वॉल्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, एंड इक्विसिटम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डज नॉट. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन. ठीक है, नेक्स्ट. हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफिक. माने वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. अब वो कीमो ऑटोट्रॉफो, हिटीरो ऑटोट्रॉफो, सॉरी फोटो ऑटोट्रॉफो, डजेंट मेक अ डिफरेंस. अब लैक्टोबैसिलस, ये तो ऑटोट्रॉफिक नहीं है. नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, कारा ग्रीन एल्गा है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक है. स्ट्रेप्टोमाइसिस आपका एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है, हिटीरोट्रॉफिक है, नहीं है. सैक्रोमाइसिस यीस्ट फंजाई नहीं है. ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ नहीं है. पोरफायरा रेड एल्गा है. वॉल्फिया एंजियोस्पर्म स्मॉलेस्ट फ्लावर है. तो आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस क्लासिफिकेशन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 6 विल बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट.
Which one of the following categories of animals is correctly described with no single any exception in it? कि सारी बातें उसकी सही है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. इस क्वेश्चन को ना दो तीन तरीके से पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे टाइप के क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, आपको आने चाहिए. कि ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस एंड पजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग. सारे मैमल्स वीवी पैरस नहीं होते, कुछ ओवी पैरस भी तो होते हैं, कुछ मार्सुपियल्स भी होते हैं. रेप्टाइल्स पोजेस स्केल्स, हैव अ थ्री चेम्बर हार्ट एंड अ कोल्ड ब्लडेड. हर रेप्टाइल के पास थ्री चेम्बर हार्ट नहीं होता. एक रेप्टाइल ऐसा है क्रोकोडाइल जिसके पास फोर चेम्बर हार्ट है. हमें तो नो सिंगल एक्सेप्शन देखनी है. ऑल बोनी फिशेज हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स एंड एन ओपरक्यूलम ऑन ईच साइड. यस. ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल. हमारे पास फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी होता है. कैन एनीबडी गिव मी द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? टिक टिक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कोई मुझे बता सकता है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम क्या है? गॉडजिला जैसा दिखता है वो. स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. जब आप क्वेश्चन करें और ऐसे क्वेश्चंस देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड? लिविंग वर्ल्ड नेमिंग वाला. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, इकोलाय का फुल नेम एंटामीबा कोलाय. ठीक है. अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. एक तो वो एंटामीबा कोलाय नहीं है, वो एस्चेरिचिया कोलाय है. ठीक है. मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजर्ड अ रेप्टाइल. मस्का डोमेस्टिका इज द कॉमन हाउस फ्लाई अ इंसेक्ट. प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम अ प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया. यस. प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्टा है, एक प्रोटोजोआ है, एक स्पोरोजोआ है. और स्पोरोजोआ उनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनकी लाइफ में स्पोर जैसी स्टेजेस होती है. ठीक है. फेलिस टिग्रिस. फेलिस टिग्रिस तो होता ही नहीं है. फेलिस कैट के लिए होता है, टिग्रिस टाइगर के लिए, वो पैंथेरा टिग्रिस होता है. तो ये सब गलत. अच्छा, जब लिजर्ड का नाम आया ही है, कोई मुझे बता सकता है जो आपकी वॉल लिजर्ड है उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम ऑफ वॉल लिजर्ड. टिक टिक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जो आपकी ट्री लिजर्ड होती है उसको तो आप कैमेलियन बोलते हो. ठीक है. जो आपकी फ्लाइंग लिजर्ड होती है उसको आप ड्रैको बोलते हो. है ऐसे ही आपकी एक जो हाउस होल्ड वॉल लिजर्ड होती है इसका क्या नाम होता है? टिक टिक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हनी, मैंने उसी दिन बोला था कि ये साइंटिफिक ऑर्गेनिजम्स स्पेशली स्पेशली क्लासिफिकेशन में आपको साइंटिफिक नेम्स तो जरूर पता होने चाहिए. ठीक है. आपकी गार्डन लिजर्ड हेमीडेक्टाइलस होती है और आपकी कैलोट को हम बोलते हैं कि हमारी वॉल लिजर्ड टाइप की होती है. ठीक है. गार्डन लिजर्ड याद रहेगा. चलें आगे. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग? अच्छा हाँ, सॉरी, तुम लोग सही हो, मैं गलत हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? मैं जल्दी जल्दी में गलत भूल गई. मस्टर्ड, सिनर्जिट्स, जिंको, आर्किगोनिया, साल्विनिया, प्रोथालस, वायरॉइड, आरएनए. कौन सा ऐसा है जो रॉन्गली मैच्ड है? क्या आरएनए होते हैं वायरॉइड्स में? क्या साल्विनिया के पास प्रोथालस होता है? क्या जिंको के पास आर्किगोनिया होता है? क्या मस्टर्ड के पास सिनर्जिट्स होते हैं? कौन सा ऐसा है जो कि मैच नहीं मार रहा है? ठीक है. तुमको बताऊं, मस्टर्ड हमारा एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म के अंदर हमारे पास एक एग एपरेटस बनता है, हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक बनता है जिसमें सिनर्जिट्स होते हैं. जिंको एक जिम्नोस्पर्म है. साल्विनिया है ना आपका, साल्विनिया आपका, सेलाजिनेला, ये सारे आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं. एंड ये जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके पास एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है. ठीक है. यहां पर मेल या फीमेल मेंशन्ड होना चाहिए था क्योंकि साल्विनिया जो होता है वो
हिटीरोस्पोरस होता है, आप उसके लिए एक जनरल पोथालोस वर्ड नहीं यूज करोगे। जिनको एक जिम्नोस्पर्म है उनमें आर्किगोनिया होता है बेटा, मस्टर्ड एक एंजियोस्पर्म है उनमें एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड्स होते हैं, वायरॉइड्स में फ्री आरएनए होते हैं, साल्विनिया क्योंकि हिटीरोस्पोरस है आप उसके लिए जनरल प्रोथालोस वर्ड यूज नहीं करोगे। आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे कि या तो वो मेल प्रोथालोस होगा या फीमेल, जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्विसिटम में लिखा था कि फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड इन द पेरेंट स्पोरोफाइट, वहां मेंशन था ना फीमेल प्रोथालस, यहाँ पे नहीं मेंशन, तो ये नॉट मैचिंग है। इस तरीके से आपको चूज करना है क्योंकि वरना तो सारे सारे मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स अस द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सिक्स एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब हमारे पास अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है। ये क्वेश्चन आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूवल एक्सक्रीशन से भी आता है और क्लासिफिकेशन से भी आता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, एम्फीबियंस आपके कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स आपके कैसे होते हैं, इंसेक्ट्स आपके कैसे होते हैं, ठीक है, कि वो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक सारी एक ही कैटेगरी को जो हमारे बिलोंग करे। आई एम सॉरी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सिक्स एनिमल्स। हाँ, कि हमारे पास दो 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 का ग्रुप है ना, ए में आपके एक्वेटिक एम्फीबियन आ गए, यूरियोटेलिक कॉकरोच आ गया, ह्यूमंस फ्रॉग और पिजन, ठीक है, सो टू टू एनिमल्स इज व्हाट वी आर टेकिंग इन ईच। तो अमोनोटेलिक कौन कौन होते हैं, हम बोलते हैं अमोनोटेलिक हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, स्पेशली एम्फीबियंस को हम अमोनोटेलिक बोलेंगे, ठीक है, तो जिस जिस में अमोनोटेलिक के अंदर पिजन आ रहे हैं रॉन्ग, ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियंस सब में आ रहे हैं तो उनको हम मानेंगे, लिजर्ड नहीं आ रही है, ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियन यूरियोटेलिक नहीं होते, एक्वेटिक रेप्टाइल होता तो मैं फिर मान लेती कि वो यूरियोटेलिक होंगे, ठीक। आपका कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है, कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है, आपका लिजर्ड यूरिकोटेलिक होता है, आपका पिजन बर्ड यूरिकोटेलिक होता है, ह्यूमंस यूरियोटेलिक होते हैं, फ्रॉग आपका अमोनोटेलिक होता है, तो ये सारे अपनी कैटेगरी में फिक्स बैठते हैं, तो इसलिए ये। एंड वेरी गुड आयुष, कि कौन सा हमारा सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, कौन सा लीस्ट टॉक्सिक है ना, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, यूरिया फिर उससे ज्यादा टॉक्सिक है, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है उसको एक्सक्रीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज मोस्ट कॉमन इन ह्यूमंस एंड अडल्ट फ्रॉग्स। ऐसी कौन सी बात है जो ह्यूमंस में भी है और अडल्ट फ्रॉग्स में भी है, क्या वो उनका यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, फोर चेम्बर्ड हार्ट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, या न्यूक्लिएटेड आरबीसीज है। मैंने एग्जैक्ट जैसे क्वेश्चंस उठ के आए हैं ना वैसा ही उठा के आपको बोला है, ठीक है, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन फ्रॉग्स शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमंस शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्रॉग्स हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट, ह्यूमंस हैव अ फोर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, फ्रॉग्स हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, ह्यूमंस हैव ई न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनका यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, जब वो लैंड पे होते हैं तो वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और जब वो वाटर में होते हैं तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स इज सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम, सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश, ठीक है, ये दोनों ही कोल्ड ब्लडेड है, सही बात है, टीरोपस और ऑर्निथोरिंकस वीवी पैरस है। देखो टीरोपस इज अ साइंटिफिक नेम फॉर फ्लाइंग फॉक्स बैट जैसा मैमल, ऑर्निथोरिंकस इज डक बिल प्लैटिपस, इट इज एग लेइंग, तो ये दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है, गार्डन लिजर्ड और क्रोकोडाइल में थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, एस्कैरिस एंड इनसाइक्लोस्टोमा दोनों ही राउंड वर्म्स है और दोनों ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो नहीं करते क्योंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज शोन बाय एनेलिड्स, ठीक है, तो ये सारे ही मैच नहीं करते, कौन मैच करता है, सिर्फ सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश, दोनों आपके बोनी है, दोनों आपकी एक तरीके से ऑस्टिक थाइज है जो कि कोल्ड ब्लडेड होती है, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आइसोगैमीट्स अ सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर, कहते हो
एंड आइसोगैमीज डिफर इन ईदर स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर, ये भी कह सकते हो. इन ऊ गैमी फीमेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल वाइल मेल गैमीट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऊ गैमी में मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल, फीमेल गैमीट इज लार्ज एंड इमोटाइल. क्लमाइडोमोना सब तरीके की रिप्रोडक्शन शो करता है, आइसो एनाइसो ऊ, और फ्यूकस ऊ गैमी शो करता है, वॉलवॉक्स ऊ गैमी शो करता है. कैन यू टेल मी कौन सा ऐसा एक और एल्गा है जो ऊ गैमस होते हैं? उसके सारे के सारे ही ऊ गैमस होते हैं. डैश आर ऊ गैमस एल्गा. टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कौन से ऐसे एल्गा हैं जो सिर्फ और सिर्फ उगैमी शो करते हैं? और मजे की बात यह है कि उनके पास कोई फ्लैजिलेटेड फॉर्म नहीं होता. दे हैव नो फ्लैजिलेटेड फॉर्म, येट दे आर ओनली उगैमस एंड दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डैश एल्गा. अनन्या, फुकस इज अ ब्राउन एल्गा विच इज उगैमस. वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा विच इज उगैमस. वंडरफुल अनन्या. रेड एल्गे विच आर नोन एज रोडोफाइसी. कैन यू टेल मी विच काइंड ऑफ पिगमेंट्स डू यू सी इन रोडोफाइसी? क्लोरोफिल ए तो सबके पास होता है, ए और बी ग्रीन एल्गा के पास होता है. रेड एल्गा के पास कौन सा ए होता है? और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डैश एंड फाइकोएरिथ्रिन. यस मेमोरीज, वेरी गुड. रोडोफाइसी विच हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी. वंडरफुल. पॉलिसिफोनिया, पॉर्फायरा, जिलीडियम, ग्रासिलेरिया. फ्यूकोजांथिन आयुष इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गे. चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है. हर्बेरियम हाउसेस ड्राई प्रेस प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स. कह सकते हो लीव हो गई, स्टेम हो गई, रूट हो गई. बोटानिकल जार हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेंट्स. देखिए, म्यूजियम में सिर्फ फोटोज नहीं होते हैं, म्यूजियम में मॉडल्स होते हैं. ठीक है, मॉडल्स जो कि आपको प्रिजर्व्ड इन बॉक्सेस होंगे, फॉर्मलिन होंगे, इंसेक्ट बॉक्सेस होंगे, स्टफ्ड एनिमल्स होंगे, स्केलेटन्स होंगे. सिर्फ फोटो नहीं होता. तो सी आपका ऐसा है कि विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स. अब आप देखो, ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है जो कि एल्गा के गैमीट्स पे आ रहा है. तो अभी तक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दो तीन बार रिपीट हो रही है वो क्या हो रही है कि एल्गे के गैमीट्स तो हमें आने चाहिए. कौन सा एल्गा उगैमस है, कौन सा एल्गा एनाइसोगैमस है, कौन सा एल्गा आपका आइसोगैमस है, किसके आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं, किसके आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं. नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स आर फॉर्म बाय स्पायरोगायरा. वॉल्वॉक्स फॉर्म्स फ्लैजिलेटेड गैमीट्स एंड इट इज उगैमस. फ्यूकस उगैमस. क्लाइमोडोमोना सारी तरीके की शो करता है. हमारा आंसर क्या है? स्पायरोगायरा. ये कैसा एल्गे है? कलोनियल है कि फिलामेंटस है? जल्दी बताओ. टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इज इट अ कलोनियल एल्गा और इट्स अ फिलामेंटस एल्गा? वंडरफुल, इट्स अ फिलामेंटस एल्गा. कैन यू नेम अ फिलामेंटस ब्राउन एल्गा? अ फिलामेंटस ब्राउन एल्गा विच हैज अ हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. अ फिलामेंटस ब्राउन एल्गा विच हैज अ हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऐसा कौन सा ब्राउन एल्गा है जो फिलामेंटस भी और उसकी लाइफ साइकिल हैप्लो डिप्लोंटिक है? एक्टोकार्पस. वंडरफुल. जानवी, केल्प्स तो जायंट ट्री लाइक होते हैं ना, वो फिलामेंटस नहीं होते. एक्टोकार्पस. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड, ऐसे ही फिलामेंटस विद हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. कौन सा एल्गे है? एक्टोकार्पस. इट्स अ ब्राउन एल्गा. नेक्स्ट, बिसाइड पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ. आपको कहाँ कहाँ साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया आपको कहाँ ग्रो करते हुए नजर आएंगे? वेयर डू यू फाइंड एसोसिएशंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद रूट्स ऑफ पाइनस, साइकस, इक्विसिटम, साइलोटम. इक्विसिटम आर योर हॉर्सटेल, स्विनोप्सिडा.
Xyloterm again is a pteridophyte xylopsida. Cycads and pinus are your gymnosperms. Wonderful. Cycads ke saath coralloid roots banate. Megasporangium is equivalent to आपके पास एक एंजियोस्पर्म में, जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, उसमें वो रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाते हैं और बताते हैं कि विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ मेगास्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म्स, विच इज कवर्ड बाय ओवरी वॉल एंड फॉर्म्स द फ्रूट वॉल, विच इज दैट स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज अ मेगास्पोरेंजियम. इट्स नन अदर देन ओव्यूल, डार्लिंग. ओव्यूल एक्ट एज द मेगा स्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगा स्पोर लगते हैं, मियोटिक डिविजन होता है. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग. मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, कितने सही हैं कितने गलत हैं, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इन लिवर वर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स, गैमीटोफाइट्स आर फ्री लिविंग. फर्न्स में गैमीटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं, बट मॉसेस में नहीं होते, लिवरवर्ट्स में नहीं होते, बिकॉज लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस आर ब्रायोफाइट्स एंड उनका जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो हाँ फ्री लिविंग होता है, स्पोरोफिटिक नहीं होता. तो सबके अंदर फ्री लिविंग है, हाँ है. जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हिटीरोस्पोरस. हाँ, जिम्नोस्पर्म्स तो हिटीरोस्पोरस होते ही है, फर्न्स में कुछ हिटीरो है कुछ होमो है. हिटीरोस्पोरस फर्न्स का एग्जाम्पल साल्विनिया, सेलाजिनेला, अजोला एंड मार्सिलिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉलवॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ऊ गैमस. यस, एल्ब्यूगो इज ऊ माइसिटीज, ये ऊ गैमस रिप्रोडक्शन शो करता है. द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेट दैन इन मॉसेस. ये स्टेटमेंट दोबारा आई है कि स्पोरोफाइट लिवरवर्ट्स का ज्यादा इलेबोरेट होता है, नहीं, वहां लिखा हुआ था कि स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया इज मोर इलेबोरेट दैन पॉलीट्राइकम. अब पॉलीट्राइकम मॉस है, रिक्शिया लिवरवर्ट है, तो बस इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, बट स्टेटमेंट वही है एंड गलत स्टेटमेंट है. बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया डायोशियस. पाइनस मोनोऑशियस होता है, मार्केंशिया डायोशियस होता है. डायोशियस मींस मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग. ठीक, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, कि थ्री स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, दो स्टेटमेंट्स गलत है, तो थ्री बिकम्स द करेक्ट आंसर. फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ और फिफ्थ सही नहीं है. स्पोरोफाइट लिवर वर्ट्स का इलेबोरेट नहीं होता बेटा, स्पोरोफाइट मॉसिस का इलेबोरेट होता है. ठीक है, तो नॉट फोर स्टेटमेंट्स, थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, एंड जब हम फ्री लिविंग गैमेटोफाइट की बात करते हैं, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत रिपीट होता है, कि गैमेटोफिटिक जेनरेशन किस किस के पास होती है. जिनके पास हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, जिनके पास हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, उनकी लाइफ में गैमीटोफिटिक स्टेज होता है. डोमिनेंट और फ्री लिविंग, ये दो कैटेगरीज है. डोमिनेंट फेज गैमीटोफिटिक किन किन की बॉडी के अंदर होता है, एल्गे और ब्रायोफाइट्स. फ्री लिविंग सब में होता है, एल्गे में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है, और हम कह सकते हैं कि जो आपके टेरिडोफाइट्स है उनमें भी गैमीटोफिटिक स्टेज फ्री लिविंग होता है, बट डोमिनेंट नहीं होता, रिड्यूस्ड होता है, प्रोथैलस फॉर्म में होता है, हार्ट शेप प्रोथैलस होता है टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स का. ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग, लेट्स क्विकली सॉल्व. पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर. साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे है, उनके पास क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हेटेरोसिस्ट में करते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो फिर ये क्लोरोफिल कहाँ होता है. दिस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, मीजोजोम मॉडिफिकेशंस कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स. व्हाई डिड आई से सो मेनी थिंग्स अबाउट ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, कि आपको वो याद रहना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गे में कुछ हिटीरोसिस जैसा होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे फिलामेंटस भी होते हैं, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ फिल्म. ये सब बातें आपको दिमाग में आनी चाहिए जब आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हो. आइडिया ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नॉट जस्ट द क्वेश्चन एंड द आंसर,
बट ऑल द अदर फोर ऑप्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आंसर कि ये किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया गया, ये साइनोबैक्टीरिया पे क्वेश्चन बनाया गया, आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में ए टू जी सब आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोऑशियस प्लांट ऑफ कारा शोज अकरेंस ऑफ, पहले तो मोनोऑशियस क्या होता है कि एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल है, कारा इज अ ग्रीन एल्गा जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे होते हैं, एंड हमने ये पहले और हमेशा रिपीटेडली पढ़ा है कि फीमेल का दर्जा ऊपर है मेल का नीचे, तो फीमेल ऊपर होता है मेल नीचे होता है, ठीक है। सो यू हैव अ अपर उगोनियम एंड अ लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट व्हेन वी टॉक ऑफ कारा, ओके परफेक्ट। नेक्स्ट, मैच द नेम ऑफ द एनिमल विद द नेचर एंड द क्लास, तो हम बोलते हैं पेट्रोमाइजॉन आपका साइक्लोस्टोम है, एंड ये एक एक्टोपैरासाइट होता है और मरीन फिशेस, यस। एक थायोप्सिस आपका एक एम्फीबियन है, एक लिम्बलेस एम्फीबियन है विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस, रॉन्ग। लिम्बलेस आपका किंग क्रैब है, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटेनस स्केलेटन बट इट इज एन आर्थ्रोपोड नॉट पाइसेस। इसके पास क्या होते हैं, बुक गिल्स। एडेमसिया, एडेमसिया आपका सी एनिमोन है और ये एसिमेट्रिकल होता है, रेडियल सिमेट्री नहीं शो करता, पॉरीफेरन है, तो ये भी सही नहीं है। सारी बातें किसके लिए सही है, साइक्लोस्टोमा के लिए। एंड ये किस तरीके की मूवमेंट शो करते हैं, ये जो पेट्रोमाइजोन है, साइक्लोस्टोम्स है, एक्टोपैरासाइट्स है, दे आर फाउंड इन डैश वाटर एंड दे मूव टू डैश वाटर फॉर रिप्रोडक्शन फॉर स्पॉनिंग, और जब इनका मेटामॉर्फोसिस हो जाते हैं तो ये वापस अपने ओरिजिनल वाटर में आ जाते हैं। इनको हम बोलते हैं कि ये मरीन वाटर में होते हैं, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, एक बार मेटामॉर्फोसिस हो जाती है तो फिर वापस आ जाते हैं हमारे मरीन वाटर में। इस तरह की माइग्रेशन को या इस तरीके की माइग्रेटरी फिशेज को हम डैश फिशेज बोलते हैं। टिक टिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। एनाड्रोमस फिशेस बोलते हैं, वंडरफुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस, कटल फिश सीपिया, मोलस्क, सिल्वर फिश इज अ आर्थ्रोपोड इंसेक्ट, रॉन्ग। सेंटीपीड मिलीपीड स्पाइडर स्कॉर्पियन सब इंसेक्टा नहीं होते बेटा, स्पाइडर अरैकनिडा होता है, ठीक है। आपके सेंटीपीड मिलीपीड भी अलग क्लास को बिलोंग करते हैं, दे आर ऑल नॉट इंसेक्टा। हाउस फ्लाई बटरफ्लाई सीसी फ्लाई सिल्वर फिश, यस दे आर ऑल इंसेक्ट्स। सी अर्चिन इकाइनोडर्म है, सी कुकुम्बर इकाइनोडर्म है, बट स्पाइनी एंट ईटर इकाइनोडर्म नहीं है। स्पाइनी एंट ईटर इकिडना इज अ ओवीपैरस मैमल, ठीक है, इट्स अ एग लेइंग मैमल। सी अर्चिन को इकिनोइडी बोलते हैं, सी कुकुम्बर को होलोथुरोइडी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर वे 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 वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना है। फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस बोनी है, कटल फिश सीपिया आपका शेललेस मोलस्क है, ओके। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, अगेन एनिमल फाइलम। अब आप देखो जितना डीप डीप में आप एनिमल किंगडम पढ़ते रहते हो, ये भी फीचर आना चाहिए, ये भी फीचर आना चाहिए, फलाना ढीकड़ा ये डिटेल वो डिटेल, कुछ नहीं पूछता आपका नीट का एनटीए, वो सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड एक फीचर को पकड़ के क्वेश्चन पूछता है कि कौन सेम फाइलम में है, कौन यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक है, कौन इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है, किसके पास मेटामेरिज्म है या नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया और फीचर उठा के क्वेश्चन पूछते हैं, कोई डिटेल में नहीं क्वेश्चन पूछता, ठीक है। सो विच ऑफ द एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, देखो मलेरियल पैरासाइट जो आपका प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ, अमीबा प्रोटोजोआ, मॉस्किटो इंसेक्टा, ये तो किंगडम ही अलग हो गया, अर्थवर्म एनेलिडा, पिनवर्म एस्के हेलमिंथ, स्टेप वर्म प्लैटी हेलमिंथ, ये भी कोई एक एक को नहीं है, प्रॉन स्कॉर्पियन लोकस्ट, ये तीनों आर्थ्रोपोड है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्रॉन एंड स्कॉर्पियन, लोकस्ट का तो लोकस्ट है ही, ठीक है, इज अ ग्रिगेरियस पेस्ट। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्रॉन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्कॉर्पियन, मैंने बोला था दोनों में पाला पाला है, एक पाला मॉन है, एग्जैक्टली। एग्जाम्पल की कॉफी बना के पीना इज सुपर इंपॉर्टेंट,
जल्दी बताओ, साइंटिफिक नेम ऑफ प्रॉन, साइंटिफिक नेम ऑफ स्कॉर्पियन। जो तुम्हारी 9th के एनसीईआरटी में दिए हैं। प्रॉन इज पैलीमॉन बेटा, स्कॉर्पियन इज पैलमनियस। अभी कल परसों हमने क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। पैलीमॉन इज प्रॉन, देखो सिनोन एक तरीके ना सिंक में आना चाहिए, पैलीमॉन प्रॉन। हाँ, पैलमनियस इज स्कॉर्पियन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेरी ना गट फीलिंग कहती है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, पता नहीं क्यों। ये याद कर लो, पैलीमॉन और पैलमनियस आने वाला है। ये नेक्स्ट, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कटलफिश, सीपिया, इट्स अ मोलस्क, सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट, यस, पापा फिश इज अ ट्रू फिश, पाइसीज, फ्लाइंग फिश, अगेन एक्सोसीटस, बोनी फिश, फिश, पाइसीज। सिर्फ एक ही है, सिल्वर फिश। बार बार सिल्वर फिश पे क्वेश्चन आ रहा है कि सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, ठीक है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटिकर इज नॉट बेस्ड ऑन, तो हम बोलते हैं देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो देखता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, हिटेरोट्रॉफिक, नॉन हिटेरोट्रॉफिक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें देखो हैबिटेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने मॉर्फोलॉजी देखी थी, सेल स्ट्रक्चर देखा था, सेल वॉल देखी थी, केमिकल नेचर देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा था, हैबिटेट नहीं देखा था कि कौन पानी में रहता है, कौन लैंड पे रहता है, ठीक है। तो अभी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आंसर सही है, क्या गलत होगा? हैबिटेट, तो हैबिटेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को तब मार्क करना है कि आर एच विटिकर ने लिया था, जब बाकी सारे फीचर्स सही हो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स। उसके पास आरएनए है और उसके पास कैप्सोमियर है, माने वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए और उसके पास कैप्सिड प्रोटीन कोट भी है, तो इट इज जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोट, प्रॉपर वायरस है। इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो आरएनए वायरस है? एंड कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड है उसके पास। वेरी गुड, टोबैको मोजैक वायरस। देखो ऐसे तो रेट्रो वायरसेस भी आरएनए वायरसेस होते हैं, बट स्पेशली मेंशन्ड है कि उसके पास कैप्सोमियर्स है, तो टोबैको मोजैक वायरस, जिसका डायग्राम आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नाउ इस पे आपको पता होना चाहिए कि मीजल्स कैसा वायरस है, क्या मीजल्स आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है। अगेन नाउ यू आर डूइंग अ क्वेश्चन, यू मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज मीजल्स। मीजल्स इज ऑल्सो अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज पोलियो। पोलियो इज अ आरएनए वायरस और अ डीएनए वायरस, जल्दी बताओ। टिक टिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी वायरसेस जो यहाँ पे मेंशन है ये आरएनए वायरसेस है। मीजल्स आरएनए वायरस, रेट्रो आरएनए वायरस, पोलियो आरएनए वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस आरएनए वायरस। यहाँ पे कीवर्ड था कि वो कॉइल्ड है और उसके पास कैप्सिड है। When you solve such questions, you should always make a note of these little little details. Very important. Why to solve previous year questions? कि उसके options भी तुम्हें पता होने चाहिए कि वो क्या मतलब रखते हैं, कि अगर उन पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चन लगाना आए। प्लीज अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नॉट जस्ट द क्वेश्चन बट ऑल द फोर ऑप्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। कि आपको मालूम होना चाहिए कि वायरसेस के जेनेटिक मटीरियल और कैप्सिड की क्या सिग्निफिकेंस है, जिनके पास कैप्सिड नहीं होता, प्रोटीन कोट नहीं होता, उन वायरसेस को क्या बोलते हैं, या वायरस विच हैज ओनली जेनेटिक मटीरियल दैट टू फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट आर कॉल्ड डैश। जल्दी बताओ। टिक टिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस आयुष, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन इन आर रैपिड रिविजन टेलीग्राम चैनल। तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें देने के लिए बनाई है, तुमको दूंगी। बताओ,
मैंने तुमसे पूछा कि क्या मुझे बता सकते हो कि वो वायरस जिसके पास फ्री आरएनए है, प्रोटीन कोट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन तो कर ही लेना, ये तो तुम सबको आता ही है। उसको वायरॉइड बोलते हैं। किसने डिस्कवर किया था वायरॉइड? टीओ डेनर ने। ठीक है, सैक्रोमाइसिस फंजाई है, सेल वॉल होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, एक ही बात है, दोनों के पास सेल वॉल होती है। सी फैन गॉर्गोनिया है, एनिमल है, उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखो अल्गा पे कितना क्वेश्चन आता है, तो अल्गा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूल के भी छोड़ के नहीं जाना है उसको। कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया, कौन से ऐसे अल्गा है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गा का फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होता है, साइनोबैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होता है। एन ऑक्सीजेनिक माने बिना ऑक्सीजन के फोटोसिंथेसिस करना, H2S वाला, वो कौन होते हैं? आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, विच इज रोडोस्पाइरुलम। अल्वा ग्रीन एल्गा ऑक्सीजेनिक, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा, प्रोटिस्टा ऑक्सीजेनिक, स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गा ऑक्सीजेनिक। नेक्स्ट, अ लोकेशन विद लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकन्स ऑन द ट्रीज इंडिकेट्स दैट लाइकन्स आर नेचुरल पोल्यूशन इंडिकेटर्स। दे आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन, दे डू नॉट ग्रो इन द एरिया वेयर देर इज पोल्यूशन, दे आर सेंसिटिव टू SO2। तो जहां पर पोल्यूशन नहीं होगा, अच्छी साफ हवा होगी, वहां लाइकन ग्रो करेगा। सो वेयर लोकेशन इज वेरी हेल्दी वाला जो होगा वही, हाईली पोल्यूटेड नहीं, नॉट पोल्यूटेड। वेयर द लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड यू विल सी ट्रीज विद लग्जूरियंट ग्रोथ। चले जी, एन एल्गा विच कैन बी इम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। एडिबल एल्गे कौन कौन से हैं? स्पेशली एनसीईआरटी में मेंशनड है कि आउट ऑफ 60 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गा, आपका पोरफायरा, आपका लैमिनेरिया और आपका सार्गासम, ये तीन ऐसे हैं जिनको हम फूड की तरह यूज करते हैं। क्लोरेला को हम स्पेस फूड की तरह यूज करते हैं। कारा को भी हम प्रोटीन रिच फूड की तरह यूज करते हैं। स्पाइरुलिना को भी हम एक सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरेला। ठीक है, स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गा फिलामेंटस होता है, आइसोगैमीट्स फॉर्म करता है, नॉन फ्लैजुलेटेड करता है, इसका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप होता है। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गा है और ये हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल शो करता है। यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है जो आइसोगैमीट्स बनाता है, बट फ्लैजुलेटेड आइसोगैमीट्स बनाता है। पढ़ रहे हो तो सबको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लो ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा? अब कारा एक ग्रीन एल्गा है और कारा मोनोऑशियस है, उसके पास मेल फीमेल एक ही बॉडी पे होते हैं। अब अगेन, अब वर्ड उन्होंने दे दिया ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। ठीक है, अब यूजुअली एक ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है कि ग्लोब्यूल गोल गोल फीमेल होगा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। कारा का जो ग्लोब्यूल है, ठीक है, हम बोलते हैं कि वो उसका मेल सेक्स ऑर्गन है, जो न्यूक्यूल है वो उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो न्यूक्यूल अबव, ग्लोब्यूल नीचे। ठीक है, अपर गोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम। ग्लोब्यूल इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यस। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यस। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात गलत है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। टैक्सॉन माने कोई भी कैटेगरी जिसमें मरीन भी आते हैं और फ्रेश वाटर भी आते हैं। तो अब आपको पता है इकाइनोडर्म्स दे आर क्लासिकली मरीन, टीनोफोरा हम बोलते हैं दे क्लासिकली मरीन। ठीक है, अब बच गया हमारे पास निडेरिया और सिफेलोकॉर्डेटा। तो हम बोलते हैं निडेरिया में फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स अगेन एक्सक्लूसिवली मरीन। तो निडेरिया फ्रेश वाटर, आप बोल सकते हो कि आपके पास हाइड्रा जैसे आपको मिल जाते हैं फ्रेश वाटर में भी, तो आपको उसमें फ्रेश वाटर और मरीन दोनों मिल जाएंगे, दैट टैक्सॉन दैट कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लानेरिया ड्यूजीसिया फ्लैटवर्म, हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन, ये रीजेनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कौन शो करते हैं?
निडेरियंस, मेटाजेनेसिस। बायोल्यूमिनेसेंस कौन शो करते हैं? टीनोफोरा, कोम जेली, सी वॉलनट्स। मेटामोरफोसिस कौन शो करता है? जिनके पास भी लार्वल स्टेज होती है, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, वो मेटामोरफोसिस शो करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? प्लानेरिया हैज अ हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन। वायरसेस हैव प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ डीएनए आरएनए, आरएनए इंक्लोज इन अ प्रोटीन कोट, आरएनए और डीएनए इंक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट है ना, टॉर्पीडो। पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन होती है, इलेक्ट्रिक करंट टॉर्पीडो होती है। स्कोलियोडियन इज डॉग फिश, ठीक है। प्रिस्टिस इज सॉ फिश, एंड दीज आर ऑल कार्टिलेजिनस फिशेस। सबके कॉमन नेम, सबके साइंटिफिक नेम। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्की बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या है जो यू बैक्टीरिया के पास नहीं है? ठीक है, क्या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका सेल शेप, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हम बोलते हैं कि उनके पास ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, एक बायोकेमिकल अडेप्टेशन होती है जो उनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? पीट इज यूज एज अ फ्यूल। हम बोलते हैं कि आपके पास जो स्फैग्नम पीट मॉस जिसको हम बोलते हैं, वो आपका पीट फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए यूज होता है। सो स्फैग्नम, स्फैग्नम भी एक मॉस है, फ्यूनेरिया भी एक मॉस है, बट स्फैग्नम को हम पीट मॉस बोलते हैं। मार्कैंशिया रिक्शिया लिवरवर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स? फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा। सो यूलोथ्रिक्स गलत आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, और स्पाइरोगायरा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो नॉन फ्लैजिलेटेड बताने। देखो कितना 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 एल्गे पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बार 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 आ रहे हैं। हाँ, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों होगा प्रज्ञा। नेक्स्ट, मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन। देखो मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड किस में होता है? आपके एंजियोस्पर्म्स में। मेल गैमेटोफाइट फ्यूनेरिया मॉस में तो बहुत एडवांस्ड होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर भी आपका जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है प्रॉपर प्रोथैलस बनाता है। पाइन जो आपके जिम्नोस्पर्म्स है उनमें भी 4 to 7 stage का होता है, बट सबसे कम किस में होता है? लिलियम में। आपके एंजियोस्पर्म में सिर्फ 3 celled मेल गैमेटोफाइट होता है, पोलन ग्रेन। ओके, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय सीलिया, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्राई। आपको सच बात बताऊं तो सीलिया तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, पिलाई फिम्ब्राई होते हैं वो अटैचमेंट के लिए होते हैं। तो बचा क्या? फ्लैजिला, जो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। फ्लैजिला इन बैक्टीरिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। सीलिया फ्लैजिला इन यूकैरियोट्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सीलिया फ्लैजिला किसके एक्सटेंशन है, सेल वॉल के हैं कि सेल मेम्ब्रेन के हैं? ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल के हैं और यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन के हैं, सीलिया बैक्टीरिया में होता ही नहीं है। Which one is a wrong statement? Brown algae have chlorophyll A and C. Wrong or right? Right statement with fucoxanthine. Archegonia found in bryophyte, pteridophyte, gymnosperm. Right statement. Mucor has biflagellated zoospores. Mucor आपका फंगस है ना? और म्यूकॉर आपका ऐसा फंगस है जो कि एक ऊमाइसिटीज है। म्यूकॉर, राइजोपस, ये आपके सारे जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो बताओ कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है? दिस इज करेक्ट, इसके पास क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजैंथीन होता है। आर्किगोनिया आपके ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म्स हैव हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, ये भी बात सही है। तो ऑफ ऑल म्यूकोर हैज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ये आपका जो स्टेटमेंट होता है ना, ये गलत हो जाता है। उसके पास नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, दो फाइकोमाइसिटीज हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि वो जूस्पोर्स फॉर्म करते हैं, बट वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जूस्पोर्स उनका एल्ब्यूगो के लिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज, माने उनके पास
एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है, दो दो सर्कुलेटरी पाथवेज है, फोर चेम्बर्ड हार्ट है। तो किस किस के पास इनमें से फोर चेम्बर्ड हार्ट है? शार्क, एक पाइसीस, इसके पास तो फोर चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता, टू चेम्बर्ड ही होता है। फ्रॉग, एम्फीबियन, थ्री चेम्बर्ड। लिजर्ड, रेप्टाइल, थ्री चेम्बर्ड। वेल, मैमल, फोर चेम्बर्ड। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, राइट? पेनिसिलिन इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, राइट? न्यूरोस्पोरा इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, राइट? मॉरल्स एंड ट्रूफल्स आर एडिबल मशरूम्स दैट बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज। न्यूरोस्पोरा क्रासा ऑल्सो बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। पेनिसिलिनियम ऑल्सो बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। यीस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। यीस्ट शो रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। पेनिसिलिनियम शो रिप्रोडक्शन बाय कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट। ये छोटी छोटी बातें, ये इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, सेल वॉल होती है। एस्परजिलस अगेन एक फंजाई है, काइटिनस सेल वॉल एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, होती है। फ्यूनेरिया एक मॉस है, एक प्लांट है, ब्रायोफाइट है, इसके पास भी सेल वॉल होती है। माइकोप्लाज्मा आर जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, अब तो प्लांटे में आते नहीं है, बट दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल एंड दे कैन सर्वाइव इन एनरोबिक कंडीशंस आल्सो, सो दे आर फैकल्टेटिव एनरोब्स। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट्स टुगेदर? सोप फिट कौन होते हैं? डायटम्स, उनको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, क्रीसोफाइट्स भी बोलते हैं। सो यहाँ पे कौन है? क्रीसोफाइट्स, प्रोटिस्टा। द मेल गैमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, एंजियोस्पर्म में मेल गैमिटोफाइट में तीन स्पर्म होते हैं? नहीं, दो स्पर्म होते हैं। दो स्पर्म एक वेजिटेटिव सेल होता है? यस। सिंगल स्पर्म वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म टू सेल, दो स्पर्म एक वेजिटेटिव ट्यूब सेल। मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन फ्रॉम द पॉलिप टू मेडूसा फॉर्म इन निडेरिया, आपके एनिमेलिया जो रेडियल सिमिट्री शो करते हैं, जो एक्सक्लूसिवली मरीन तो नहीं, पर उसमें मरीन और फ्रेश वाटर में मरीन फॉर्म ज्यादा होती है, जिनके पास स्टिंग सेल होता है, नीडोब्लास्ट सेल होता है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फॉर्म, क्योंकि मडूसा सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती है और पॉलिप ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती है। चलिए, क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन, अभी हमने पढ़ा क्रोमैटोफोर्स आर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस व्हिच आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया व्हिच कंटेन क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। मोजैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर कॉज बाय वायरसेस, राइट स्टेटमेंट? वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय इवन ऑफ स्काई, रॉन्ग स्टेटमेंट। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टियो डेनर, और ये अभी हमने पढ़ा था कि वायरॉइड किसने किया था। स्टैनले शो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, यस। टर्म कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडम वॉज गिवन बाय बिजिनी रेक, और अब की बार की एनसीईआरटी के हिसाब से बिजिनी रेक ने नाम दिया है वायरस, ठीक है? तो सेकेंड इज रॉन्ग। बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज, फूड फिल्टरिंग, फ्लैजुलेटेड सेल्स, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फाइलम? अगेन कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनल कैविटीज है माने पोर्स है, पोर वाला सिर्फ एक एग्रीगेट ऑफ सेल जिसके पास इंटरनल फ्लैजुलेटेड कॉलर सेल्स है, क्वानोसाइट्स, वो कौन सा फाइलम है? पॉलीफेरा स्पॉन्जेस। मोलस्का में रेडुला या मस्कुलर फुट या शेल हम बोलते हैं उनका कॉमन फीचर है। सीलेंट्रेटा निडेरिया में उनके स्टिंग सेल, प्रोटोजोआ में उनके मोड ऑफ लोकोमोशन की सूडोपोडिया है, सीलिया है, फ्लैजिला है, स्पोर लाइक बॉडी है। नेक्स्ट, अ जॉलेस फिश विच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर एंड हुज आमो सीड्स लार्वा आफ्टर मेटामोर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन इज, अब जॉलेस फिश आर साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, मूव टू फ्रेश वाटर एंड देन अगेन टू मरीन वाटर आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। क्लासिक एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन पेट्रोमाइजोन एंड मिक्साइन, यू विल चूज पेट्रोमाइजोन, ठीक है? मैंने हमेशा बताया कि अगर दो में से किसी एक को चूज करना है तो आप पेट्रोमाइजोन को चूज करोगे। पेट्रोमाइजोन इज ऑल्सो नोन एज कॉमनली, टिक टिक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, पेट्रोमाइजोन को और क्या बोलते हैं? लैम्प्रे।
The structures that help some bacteria to attach to rocks and hosts and other tissues are फिम्ब्रे. अभी बोला सीलिया होता नहीं है, फ्लैजेला मूवमेंट के लिए होता है, पिलाई और फिम्ब्रे अटैचमेंट के लिए होते हैं. तो अटैचमेंट के लिए फिम्ब्रे होता है. ये कॉन्सेप्ट भी बहुत 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 रिपीट हुआ है कि फिम्ब्रे क्या काम करते हैं, पिलाई क्या काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है. 2-3 बार प्रीवियस 10 ईयर्स में ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आया है. तो मिनिमम ये कॉन्सेप्ट तो हमें करना ही करना है. ठीक है, तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट्स मिनिमम हमने पढ़ लिए कि अगर क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं किया आपने तो आपको मिनिमम क्लासिफिकेशन में क्या करना है, एल्गे जरूर पढ़ना है. ठीक है, आपको साइनोबैक्टीरिया जरूर पढ़ना है. आपको सिर्फ और सिर्फ किंगडम एनिमेलिया में क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ना है और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं. एंड आपको ये बैक्टीरिया में कौन सी चीज क्या काम करने में हेल्प करती है ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द इम्परफेक्ट फंजाई इज ड्यूटेरोमाइसिटीज बिकॉज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, वो मिनरल साइक्लिंग करते हैं. कैट हमने इसका बनाया था, कॉलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया सेलानी, ट्राइकोडर्मा, दे आर ऑल ड्यूटेरोमाइसिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2? लाइकेन्स. कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइकेन? किसी लाइकन का नाम बता सकते हो? कोई दो लाइकन का साइंटिफिक नाम बता सकते हो? टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. किसी भी दो लाइकन का नाम मुझे बता दो. जल्दी 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 जल्दी. क्लाडोनिया, उसनिया, दीज आर ऑल लाइकेन्स बेटा. आपका रोशेला टिंक्टोरी इज योर लाइकेन, बिस्टिन इज योर लाइकेन. नाम एग्जाम्पल्स आने चाहिए, एक आधा तो आना ही चाहिए. पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बतानी है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट इन मोनेरा, सही बात है. सेल वॉल इज एबसेंट इन एनिमेलिया, सही बात है. प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सही बात है. सम फंजाई एडिबल, ये भी सही बात है. नाउ प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल इज एबसेंट इन एनिमेलिया. सम फंजाई एडिबल, मशरूम इज एडिबल. यही लग रहा है जो बाकी सब में से सही नहीं है. मॉरल्स एंड ट्रूफल्स आर एडिबल फंजाई, इसी को हम बोल सकते हैं कि ये खासा गलत नहीं है. ओ हाँ, देखो मेरी, देखो 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 जल्दी जल्दी में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. अब जब अटक जाओ इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. बाकी सारी बातें सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. ये प्रेजेंट नहीं होती भैया, एब्सेंट होती है. थैंक यू वॉरियर. चलो लॉन्ग टाइम नो सी. विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जल्दी जल्दी में गलत भी नहीं करना है. अनदर लेसन टू बी लर्न. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स. अगेन कौन सी ऐसी चीज है जिसपे बहुत क्वेश्चन आए हैं, वायरॉइड पे और वायरस पे. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरॉइड और वायरस पे ज्यादा क्वेश्चन आए, फंगस पे इतने क्वेश्चन नहीं आए. तो वायरॉइड क्या होता है, किसने उसको डिस्कवर किया, इस पे बहुत क्वेश्चन है. सो दे आर आरएनए एंड दे आर आरएनए ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, विच लैक अ प्रोटीन कोट. सो दे आर स्मॉल, दे लैक अ प्रोटीन कोट, दे आर इन्फेक्शियस. क्या बात सही नहीं है, उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा? काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं. पैरापोडिया नहीं होता, पैरापोडिया तो एनालिडा में होता है, अक्वेटिक एनालिडा नेरीज में होता है जो स्विमिंग के काम आता है. नेरीज एक ऐसा एनालिडा है जिसके पास पैरापोडिया तो है एक अलग चीज, उसके पास एक और अलग चीज है कि वो यूनिसेक्सुअल है. तो नेरीज की दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज काइटिन. काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ, जल्दी बताओ, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ. टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. काइटिन किसका पॉलीमर है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो शुगर, होमो पॉलीमर ऑफ अमीनो शुगर एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामीन. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना, माने कॉकरोच में कौन सी चीज नहीं है? शाइजोस्वीलोम एज अ बॉडी कैविटी, उसके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, यूसीलोम होता है. ठीक है, और यूसीलोम शाइजोसीलोम टाइप का होता है इन आर्थ्रोपोड्स.
ठीक है, शाइजोसीलोम वो होता है जिसमें हम बोलते हैं कि एक सेल से डिराइव हो रहा है, ठीक है, तो वो शाइजोसीलोम मीजोडर्म। अगर गट से डिराइव होता है मीजोडर्म तो हम उनको इंटेरोसीलस बोलते हैं। इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन, अभी हमने बात करी इंसेक्ट्स काइटिन। एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, तो ये सब कुछ होता है उसके पास। ये रेडियल क्लीवेज वाली बात हमको खासा समझ नहीं आई, ठीक है। इट हैज अ इनडिटर्मिनेट स्पाइरल क्लीवेज, नॉट रेडियल, वैसे गोल 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 नहीं, स्पाइरली कॉइल करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट? गोल्डन एल्गे आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, राइट? यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, रॉन्ग। यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया। फाइकोमाइसिटीज आर एल्गल फंजाई, अक्वेटिक फंजाई, पुराने वाले फंजाई विच हैव एसेप्टेट माइफे एंड एसेप्टेट हाइफे में हम क्या बोलते हैं, दे आर सीनोसिटिक हाइफे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन, ठीक है। तो सारी बातें सही है, ये सी गलत है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमो एंड हिटीरो, दे आर ऑलवेज हिटीरो नॉट होमो। टेरिडोफाइट्स होमो हिटीरो दोनों होते हैं, रॉन्ग। साल्विनिया जिंको पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म, साल्विनिया इज अ टेरिडोफाइट। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, रेडवुड ट्री, ट्रू। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड, नहीं, दे आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज दे आर रिड्यूस्ड लीव्स, नीडल लाइक लीव, संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, सो देयर लीव्स आर अडेप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऑलवेज ट्रू। देखो मैंने बोला था ना कि ऑलवेज ट्रू वाला दो तीन बार आया हुआ है, ठीक है। ये आपका 2018 का पेपर आ गया, हमने 12, 13, 14, 15, 16, 17 जितने क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस थे सब कर लिए, अभी 18वां पेपर चल रहा है कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। और देखो 13 में आया था, 12, 13 में, और अब वापस 18 में आया है, तो 3, 4, 5 साल के बाद रिपीट क्वेश्चन आता ही आता है। तो तुम भी देख लो, तुम्हारा 2023 मैंने 18 के पेपर से रिपीट क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, तो अब ये वाला पेपर बहुत ध्यान से देखना। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कैंड्रिक थाइस के पास होता है, हाँ होता है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैमल्स वीवी पैरस ओवी पैरस प्लेसेंटल थप तरीके के होते हैं। कॉर्डेटा में माउथ सबके पास जॉ नहीं होती है, हमारे पास साइक्लोस्टोम्स भी है विच आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स। थ्री चेम्बर हार्ट हर रेप्टाइल के पास नहीं होता, क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर हार्ट भी है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन आ सकता है भाइयों और बहनों, रिपीट होने के चांसेस है। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर्स वाटर, उनके मेल गैमीट्स वाटर से ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं फीमेल बॉडी के पास, तभी हम उन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में हम बोलते हैं कि एयर करंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? बर्ड्स का ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है, हमारा भी होता है, बर्ड्स के पास लंग होती है, हमारे पास भी होती है। बर्ड्स वीवी पैरस नहीं होती, हम वीवी पैरस होते हैं, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड है, हम भी वार्म ब्लडेड है, तो सारी बातें सही है, इट्स जस्ट दैट बर्ड्स ओवी पैरस है, हम वीवी पैरस है, ठीक है। तो विच इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स, वीवी पैरी इज नॉट शेयर बाय बर्ड, बर्ड्स आर ओवी पैरस। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which of the following is contrary to the rules of nomenclature? तो जो लिविंग वर्ल्ड का शुरुआत का है उसमें से nomenclature rules पे क्वेश्चन आते हैं, पहले को भी एक आया था, अब एक आया है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, रॉन्ग, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी रिटन ओनली इन लैटिन और द लैटिनाइज्ड वर्जन। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट। Names are written in Latin and italicized. When written by hand, they are to be underlined. सारी बातें सही है, पहला गलत है। Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates, slime molds—they are all single-celled eukaryotic organisms which belong to the kingdom Protista. The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas are methanogens, which belong to Archaebacteria. Methanococcus, Methanobacterium. Which of the following is wrong for fungi? They are eukaryotic, they are. All fungi
पोजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, दे पोजेस काइटिन एज अ सेल वॉल. तो काइटिन पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है फंजाई की सेल वॉल में, किसका बना है, एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन का, और कहाँ पाया जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में, आना चाहिए. ठीक है. मिथानोजेंस बिलोंग टू यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, डायनोफ्लाजिलेट, स्लाइम वॉल्स, आर्की बैक्टीरिया. अगेन मिथानोजेंस पे बहुत क्वेश्चन है. प्रोबेबली गोबर ग्लास प्लांट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो सब में सीएनजी वगैरह में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल. ना बाबा, दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल, यही रॉन्ग है. डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स, ट्रू. दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, इंपॉर्टेंट लाइन. डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली ओवर द वॉटर, ट्रू. दे आर प्लैंक्टोनिक. इस वर्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दे आर प्लैंक्टोनिक. द लेबल ऑफ द हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन. देखो उस पर सारे नाम होते हैं, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, फैमिली नेम, हाँ, बोटानिकल नेम, कलेक्टर्स नेम, नेम ऑफ प्लेस, सब जगह का नाम होगा उसके पास. हाइट नहीं होगी उसके पास. डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन भी होगा. ओके, वेरी करेक्ट. द डायटमेशियस अर्थ इज मेड अप ऑफ सिलिका. इट इज सो हार्ड दैट इट इज यूज्ड एज अ फिल्टरिंग एजेंट फॉर ऑयल्स एंड परफ्यूम्स. चले, कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन. अभी बताया, कॉनिफर्स आर जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म लीव्स आर नीडल लाइक, संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल. तो सुपरफिशियली ब्रॉड नहीं नीडल लीव्स होती हैं, वेसल्स नहीं होते उनके पास. उनके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रकीड्स होते हैं इन देयर जाइलम. दे हैव थिक क्यूटिकल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन. यस, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गा. रॉन्ग. एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गा. रेड एल्गा से आपको अगार अगार कैरागिनिन मिलता है. अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम ग्रासिलेरिया. रेड एल्गा. यस. लैमिनेरिया सार्गासम आर यूज एज फूड. ब्राउन एल्गा मरीन. यस. तो अगेन एल्गा पे क्वेश्चन है. ओ माई गॉड, एल्गा पे कितना क्वेश्चन है. सिलेक्ट द मिसमैच. गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया. कलरफुल बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स होते हैं. होते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल. नहीं, स्मॉल न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है. प्रोटिस यूकैरियोट. यस. मिथानोजेंस प्रोकैरियोट. आर्की बैक्टीरिया. फिर मिथानोजन आ गया. तो कौन गलत है? बी गलत है. तो ये चीजें नोट करो कि मिनिमम ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कुछ पता हो ना हो. सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. करेक्ट. तो हर किसी की सेल वॉल किसकी बनी है? बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन बनी है. फंजाई काइटिन बनी है. प्लांट सेलुलोज बनी है. रेड एल्गा में अगार अगार है. ब्राउन एल्गा में एल्जिन है. सेल वॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ पॉलीमर ऑफ. पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ पॉलीमर ऑफ. टिक टिक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता, सही बात है. माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, सही बात है. पिलाए फिम्ब्रे अटैचमेंट करते हैं, मूवमेंट नहीं करते. फिर से आ गया, देखो वही कॉन्सेप्ट. तो इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ है. तुमने मुझे बताया नहीं पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ पॉलीमर ऑफ. वेरी गुड खुशी. नैग एंड नैम. एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड. एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. बिंगो. नेक्स्ट. इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज अ फिलीफॉर्म एपरेटस. नॉट रियली. दे आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स. यस. हमारे पास 1, 2, 3 एंटीपोडल्स होते हैं. फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड्स के पास होता है, एग सेल के पास नहीं. रिडक्शन डिविजन अकर्स इन मेगास्पोर. रिडक्शन डिविजन से मेगास्पोर बनता है. रिडक्शन डिविजन अकर्स इन मेगास्पोरेंजियम. अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक. देयर इज अ लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक. तो सारी बातें उल्टी लिखी है, बस यही बात सही लिखी है, बी. ठीक है, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ. अब बी बी सही आंसर होगा. हबीबी वो वाला. ठीक है. द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम. अगेन दोबारा रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन कि ओव्यूल किसकी तरह एक्ट करता है? मेगास्पोरेंजियम की तरह. ठीक है. नेक्स्ट. द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी थर्मल वेंट्स ऑन द इकोसिस्टम आर.
अब आप देखो कि जहां पर थर्मल वेंटेड डीप सी है वहां पे ग्रीन एल्गा तो होगा नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गा भी नहीं होगा। या तो आपके पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा या आपके पास कोरल रीफ्स होंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं थर्मल वेंट्स में आपको कोरल रीफ नहीं मिलती है, आपको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, वील करेक्ट दिस आंसर कि हमारे पास डीप सी थर्मल वेंट्स में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा। ओके, बी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीजेस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स। टाइफॉइड तो बैक्टीरिया करता है, साल्मोनेला टाइफाइड स्मॉल पॉक्स नहीं करता, वो पॉक्स वायरस है। टेटनस करता है, मम्स नहीं करता, मम्स अगेन पैरामिक्सो वायरस है। हर्पीज इन्फ्लुएंजा दोनों ही वायरल डिजीजेज है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर क्लोरेला एंड टेटनस। क्लोरेला विब्रियो कॉलरे, टेटनस क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। विब्रियो माने विच शेप, कॉमा शेप। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मैमल्स आर विविपैरस। रॉन्ग, फिर से आ गया है वही कॉन्सेप्ट, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स तो होते हैं। ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट। नो, ऑल तो नहीं होते। ऑल पाइसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय ऑकुलम। कार्टिलेजनस फिश का नहीं होता, तो हम साइक्लोस्टोम्स वाला पोजेस मानेंगे कि ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉ, दे आर सर्कुलर माउथ, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, चलो जी। ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस? नहीं, ऑल मैमल्स आर नॉट वीवी पैरस, सो वी विल टेक बी एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस केस। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉस, दे हैव पेयर्ड गिल स्लिट्स, 5, 6 to 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स, पेयर्ड फिन्स नहीं। टू करेक्शंस आई डू। स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द टू करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। दो करेक्ट बतानी है, कौन कौन सी है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, येस, दैट इज वाई ही इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन, इट डज, फ्लावरिंग को डिफेक्ट करता है और फ्लावर इज द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रॉन्ग हो गई। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच विटिकर, इट वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। आर एच विटिकर गिव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, येस। सो ए सही है, डी सही है, सी ऑप्शन सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन, आर्की बैक्टीरिया, आपके हैलोफाइल्स। सिलेक्ट द मिसमैच, फ्रांकिया इज एसोसिएटेड विद एलस, ट्रू, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एलस एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। रोडो स्पाइरुलम, आपका पल्पर सल्फर फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया है, वो माइकोराइजा नहीं बनाता, एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम सिम्बायोटिक विद आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक अल्फा, अल्फा इज अ लेग्यूमिनस प्लांट, ये भी सही है। तो व्हाट इज नॉट करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विच डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले ही आ जाता है स्मॉलेस्ट लिविंग, सूडोमोनास कैसे है, डीकम्पोजिंग या फिर डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। चलो मैच द कॉलम, गनोरिया क्या कॉज करता है, गनोरिया आपका एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है विच इज कॉज बाय निजेरिया गनोरिया। सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम एक स्पाइरल स्पाइरोकीट बैक्टीरिया करता है। जेनाइटल वॉर्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एड्स एचआईवी वायरस, सो D1, ओहो सब में ही D1 है। ठीक है, तो सी हमारा हो जाएगा, वो सब में अलग है, तो जेनाइटल वॉर्ड्स 4, तो जिसमें C4 है वो आंसर हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले ना मैच द कॉलम में ये देखा करो कि सारे ऑप्शन किस में गलत है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। जैसे इसमें 4 दो बार रिपीट हो रहा है ए में ही, इसमें 3 दो बार रिपीट हो रहा है बी में ही, इसमें डी में 1 3 बार रिपीट हो रहा है। चूज दैट जो सब में अलग है, उसको देख लो वो क्या है और उसको मार्क कर दो, यू विल सेव टाइम मैचिंग ऑल ऑफ इट। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा इज वॉलवॉक्स। क्लोरेला तो यूनिसेलुलर है, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, फिर से एल्गा पे क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हॉर्स का ऑर्डर, अगेन फैक्ट बेस है, हम बोलते हैं इक्वस जीनस है, इक्विडी ऑर्डर नहीं है, फैमिली है। ऑर्डर क्या आएगा आपका, सीरोडेक्टाइला,
तो बच्चे इक्विटी में कंफ्यूज हो जाते हैं. प्लीज रिमेम्बर ऑर्डर और फैमिली के जो सफिक्सेस हैं ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस, फिर से आ गया वायरॉइड पे क्वेश्चन. ये चौथा पांचवा क्वेश्चन है वायरॉइड में 10 साल में, तो इसका मतलब वायरॉइड तो पक्का 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 करके जाना है. आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट. सिलेक्ट द मिसमैच पाइनस डायोशियस. दूसरी बार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पाइन डायोशियस है. पाइन मोनोऑशियस होता है, साइकस डायोशियस होता है, साल्विनिया हिटेरोस्पोरस होता है, इक्विसिटम होमोस्पोरस होते हैं. ये सारे कॉन्सेप्ट दो दो तीन तीन बार आ चुके हैं, तो ये मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि पाइन मोनोऑशियस होता है, साइकस डायोशियस होता है, साल्विनिया हिटेरोस्पोरस होता है, इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है. ठीक है. सम मिनिमम टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वट आई एम गोइंग टू शेयर इन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, कि कुछ ना आए तो क्लासिफिकेशन से कम ये तो आना चाहिए. ओके. लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस इन फ्यूकस. एक्टोकार्पस हाइपोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, हमने डिस्कस भी किया है. जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले प्लांट्स कौन है इसमें से जो हैप्लॉन्टिक है? फ्यूनेरिया मॉस है हैप्लोडिप्लॉन्टिक. फ्यूकस एल्गा है ब्राउन एल्गा विच हैज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. मार्केशिया लिवर वर्ट है अगेन हैप्लोडिप्लॉन्टिक. तो बचा एक ही क्लेमाइडोमोनास जो आपका ग्रीन एल्गा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि जाइगोटिक मियोसिस शो करेगा. बच्चे इसमें फ्यूकस भी कभी कभी मार्क कर जाते हैं, बट फ्यूकस इज एन एल्गा विद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो वो गलत हो जाएगा. इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइन विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कॉलर सेल्स कोएनोसाइट्स. एक बार और भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि सेल एग्रीगेट वाले बॉडी कैविटीज वाले जो जिनके पास ऐसे इंटरनली फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो ये उसी को थोड़ा गोल घुमा के पूछ लिया कि पॉरीफेरा के अंदर जो कॉलर सेल्स है उनको क्या बोलते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है कि कोएनोसाइट्स किसके पास होते हैं. विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अक्वेटिक मैमल्स. अब देखो शार्क एक मैमल नहीं है, ठीक है, ट्राइगॉन एक मैमल नहीं है, अगेन ट्राइगॉन एक मैमल नहीं है, तो यही होगा ना जो सारे मैमल्स हैं. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वेल, जल्दी बता दो. वॉरियर आई एम गोइंग टू अपलोड दिस पीपीटी पीडीएफ ऑन उड़ान रैपिड रिवीजन टेलीग्राम चैनल. हाँ जल्दी जल्दी बताओ. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वेल, बैलेनोप्टेरा. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉल्फिन, डेल्फिनस. ये तो आपको मिनिमम आने चाहिए, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है. नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमीकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स. कौन सा ऐसा है जो हेमीकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जिसकी वजह से हम हेमीकॉर्डेट्स को हाफ कॉर्डेट्स बोलते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड. तो वी विल से फेरेंजियल गिल स्लिट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड्स द स्टिकी कैरेक्टर, जो वो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है. ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऑन ऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया रोडोस्पाइरुलम करता है, बाकी सारे ऑक्सीजेनिक करते हैं. डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद सेंट्रल सेल, फ्यूजन ऑफ अनदर मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट. तो वन मेल गैमीट विद पोलर न्यूक्लियाई और सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मॉथ? यक्का मॉथ, यक्का प्लांट आपकी म्यूचुअल बेनिफिट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हाइड्रिला कैसी पॉलिनेशन शो करता है? वॉटर, अंडर वॉटर. ठीक है. वायोला कैसा प्लांट है? वायोला इज अ क्लियस्टोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऑक्सालिस वायोला. जो हाँ ये नाम आते हैं ना आपको थोड़ा 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 उनके बारे में कुछ 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 पता होना चाहिए. बनाना किस टाइप की मॉडिफिकेशन शो करता है? वो राइजोम भी बनाता है, ठीक है, और वो साकर भी बनाता है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है, इज अ प्रोकैरियोट.
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई टीबी कॉज करता है, इज अ प्रोकैरियोट। ऑसिलेटोरिया एक साइनोबैक्टीरिया है, इट्स अ प्रोकैरियोट। फ्री लिविंग एरोबिक साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग। सैक्रोमाइसीज आपका फंजाई है, यीस्ट है, सिंगल सेल्ड है, ये एक प्रोकैरियोट नहीं है, ये एक यूकैरियोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? हॉस्टेज आर जिम्नोस्पर्म्स? नो, हॉस्टेज आर योर इक्विसिटम, स्फीनोसीडा, टीरोप्सी आपके टेरिडोफाइट्स। सिलाजिनेला इज हिटेरोस्पोरस व्हाइल साल्विनिया इज होमो। साल्विनिया भी हिटेरो होता है, फिर से हिटेरोस्पोरस कॉन्सेप्ट आ गया साल्विनिया का। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स, ये बात सही है। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। साइकस में तो अनब्रांच होती है, बट सेड्रस पाइन ट्रीज में नहीं होती, उनमें ब्रांच्ड होती है मेन स्टेम, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही बात 100% सही है आपकी, सी। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सूडोपोडिया लोकोमोटरी फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ, रॉन्ग स्टेटमेंट। स्पोरोजोआ के पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, सूडोपोडिया तो अमीबॉइड्स के पास होता है। मशरूम बिलोंग टू बसिडियोमाइसिटीज, ये सही बात है, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसीलिए इट्स द आंसर। मशरूम्स एगारिकस बिलोंग्स टू बसिडियोमाइसिटीज। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांटे। माइटोकॉन्ड्रियल पावर हाउस एक्सेप्ट इन मोनेरा, बिकॉज मोनेरा प्रोकैरियोट है, उसके पास सेल ऑर्गेनेल ही नहीं होते, मोनेरा नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली। अब डिलेड कैरियोगैमी किन में होती है? फंजाई में, और फंजाई में एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स जो फ्यूजन के बाद मियोसिस से बने वो तो सेक्सुअल स्पोर्स है। क्लब शेप स्पोर्स किसमें बनते हैं? क्लब फंजाई बसिडियोमाइसिटीज में, एंड इनमें से बसिडियोमाइसिटीज कौन है? अगैरिकस। ऑल्टरनेरिया आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज है। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज है। सैक्रोमाइसिस एस्कोमाइसिटीज है, ठीक है। चले, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर्बेरियम इज अ क्विक रेफरल सिस्टम। जहां पर भी हर्बेरियम के लिए क्विक रेफरल सिस्टम लिखा होता है या ड्राइड प्रेस शीट्स होते हैं, मैं वो ले लेती हूँ। ए थ्री किस में है? इन दोनों में है। तो अब हमें बी और डी में देखना है कौन सी चीज मैच नहीं कर रही है उनकी। ये लास्ट वाला ही देख लेते हैं, डी की। कैटलॉग, म्यूजियम की, कोई भी इनका एक जैसा नहीं है। तो हम बोलते हैं कैटलॉग एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें सारी स्पीशीज होती है। कि एक एनालिटिकल कैरेक्टर्स है विद ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स। म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सी वन किसमें है? इसमें है, तो हम ये मार्क कर देंगे। डी बिकम्स अ करेक्ट ऑप्शन। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर सीन इन। हम बोलते हैं कि हमारे पास पाइन के अंदर विंग्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, मस्टर्ड में नहीं होते, मैंगो में नहीं होते। जो आपके साइकस होते हैं उनके पास सीलिएटेड स्पर्म्स होते हैं, है ना, सबसे अलग थोड़ा सा जो एक फीचर साइकस के पास देखा जाता है, उसके पास सीलिएटेड स्पर्म्स होते हैं। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? जेम्मा कप मार्केंशिया। मार्केंशिया एक लिवरवर्ट है, उनके पास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जेम्मा कप होते हैं। बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स ब्राउन एल्गे होते हैं, उनके पास अनइक्वल लेटरली प्रेजेंट टू फ्लैजिला होते हैं, पिरीफॉर्म शेप आपका स्पोर होता है। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट्स पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया इज अ रेड एल्गा, और उसके पास कोई भी फ्लैजिलेटेड फॉर्म नहीं होता। बहुत 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 गलत बात, यही गलत है। क्लोरेला यूनिसेलुलर है, स्पेस फूड की तरह यूज होता है। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन यूजिंग सूडोपोडिया। सीलिया यूज करेंगे ना सीलिएट्स, तो हैव अ कॉन्ट्रेटाइल वॉक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, वो तो आपके अमीबॉइड्स के पास भी होता है। फ्लैजिला वो नहीं करते। दे हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, पैरामिशियम सीलिएट है, और उसके पास एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है। वो दो टाइप के डायमॉर्फिक न्यूक्लियस शो करता है, यस, ये उसका एक यूनिक फीचर है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाई क्रॉप एंड गिजर्ड। किस किस के पास क्रॉप एंड गिजर्ड होता है? बर्ड्स के पास होता है, कॉकरोच के पास होता है, एनलीड्स के पास होता है। तो इसमें से बर्ड्स कौन है? एव्स, ठीक है, सही पे किसी का भी साइंटिफिक नाम भी हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच? मेल कॉकरोच के पास एनल स्टाइल होगा, ठीक है, एनस माने टेल के टाइप पे स्टाइल होगा। बोट फीमेल के पास होता है, सरका मेल फीमेल दोनों के पास होता है,
और आपके पास फोर विंग्स डार्कर टेग्नी में मेल दोनों के पास होते हैं, ठीक है। हाइंड विंग्स आपके कलरलेस होते हैं, फ्लाइट में यूज होते हैं। फोर विंग्स आपके टेग्मीना डार्क कलर्ड होते हैं जो कि कवर करते हैं। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होमियोथर्म? होमियोथर्म विच कैन मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, दे आर वार्म ब्लडेड, दे आर बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें से जो वार्म नहीं है, इसका मतलब वो ना तो बर्ड है ना मैमल है, तो इसमें से कौन है? पिस्ताक्यूला बर्ड है, पैरट। मैक्रोपस मैमल है, कैंगरू। कैमिलस मैमल है, कैमल। तो कीलॉन ही बचा, विच इज वॉट? योर टर्टल, ठीक है। कल ही बता रहे थे, काइटॉन मोलस्क है, कीलॉन टर्टल है, ठीक है। टॉर्टोइस टेस्ट्यूडो है। Which of the following animals does not undergo metamorphosis? माने वो indirect development नहीं शो करता, direct development शो करता है। Earthworm direct development शो करता है। Starfish, echinoderms have free swimming larva. Larva is bilaterally symmetrical, adult is radially symmetrical. Tunicates also have larva. हम बोलते हैं larva के पास notochord होती है सिर्फ tail में। Moth आपका butterfly, caterpillar ये भी larva। तो सबके पास, जिनके पास लार्वा है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं करता। सॉरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन? मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कौन है चीफ प्रोड्यूसर्स? डायटम्स होते, फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजेलेट्स भी है। जब चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है? डायटम्स। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रू सीलोम है, प्लस सेगमेंटेशन भी है। ओ भाई साहब, तो सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी मोलस्का में नहीं होती। मोलस्का बॉडी इज अनसेगमेंटेड, तो जहां जहां सेगमेंटेशन में मोलस्क है वो तो आएगा ही नहीं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का दैट देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। मैंने देखो कॉकरोच भी इसी में ले लिया कि आर्थ्रोपोडा में, तो जितने कॉकरोच वाले क्वेश्चंस थे मैंने मोस्टली कवर कर लिया है इसके अंदर। कि हमारे पास क्या होता है? माउथ होता है, ओरल वाला माउथ पार्ट्स, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप गिजर्ड, ठीक है, ईलियम कोलन रेक्टम। तो फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप गिजर्ड, ईलियम कोलन रेक्टम। थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैसिलाई व्हिच वाज हेल्पफुल इन कैरिंग आउट डीनाइट्रिफिकेशन। जैसे सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, वैसे थायोबैसिलस भी डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस करते हैं, ठीक है। ये सारे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ये कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट। और अगर वो मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है तो मोर बेटर ऑप्शन है, तो हाँ हम इसको इरेज करके हम बोलेंगे कि मोर बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है? मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, बी होगा बेटर ऑप्शन। वो भी गलत नहीं है बट वो ज्यादा बेटर है। फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद द डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो एंड द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन टेरिडोफाइट्स। पहली बार किन में देखा गया था? टेरिडोफाइट्स, हिटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। पहली बार सीड हैबिट जैसी फीचर किस में देखी गई थी? टेरिडोफाइट्स में। पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन बिकॉज पाइनस प्लांट रूट्स फॉर्म माइकोराइजल एसोसिएशन फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, स्पेशली मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस, ठीक है। सो दे हैव एब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा एंड इट हैज टू अब्सॉर्ब मिनरल्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से वायरॉइड पे क्वेश्चन आ गया। वायरॉइड लैक प्रोटीन कोट, करेक्ट। वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, करेक्ट। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट, इनकरेक्ट, इट्स अ जेनेटिक मटीरियल। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स लाइक विच कॉज डिजीजेस विच आर लाइक, आपका कौन सा वाला डिजीज कॉज करते हैं प्रायोन्स? आपका वो जो मैडकाउ डिजीज है, क्रुट्सफेल्ड जैकॉब डिजीज है जो ह्यूमंस में देखा जाता है, बोवाइन इंसेफेलाइटिस, स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलाइटिस। मैच द कॉलम। पाइला के पास क्या होता है? पाइला एक मोलस्क है, रेडुला होता है। बॉम्बैक्स मोरी हमारा इंसेक्ट है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल होता है। प्लूरोब्रैंकिया मेरा टीनो प्लाना है, उसके पास कॉम्प्लेट्स होंगी,
टीनिया सोलियम मेरा फ्लैट वर्म है, उसके पास एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होंगे, D1 सब में है, 1 2 3 4, सी देख लो, सी में B2 आना चाहिए, तो C2 ये वाला है, इसी को मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, मॉरल्स एंड ट्रूफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, दूसरी तीसरी बार आ रहा है, ट्रू, क्लाविसेप्स परप्यूरा कॉजेज एर्गॉट ऑफ राई विच गिव्स अस अ ड्रग LSD विच इज अ हैलुसिनोजेनिक, ट्रू, कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली, ट्रू, यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी, यीस्ट आर सिंगल सेल, दे डोंट हैव अ फिलामेंटस बॉडी, दे शो बडिंग, ठीक है, वो सूडो माइसीलियम फॉर्म करते हैं, उनकी फिलामेंटस बॉडी नहीं होती। चले सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डीकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, पैरासाइट वो होते हैं जो कि किसी और के ऊपर रह के उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, लिव ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स, सो D1 एक ही में है, वही मार्क कर देंगे हम, दैट बिकम्स अ करेक्ट आंसर, D1 ही था ना इसमें, D1 माइकोराइजा है ना, सो वील करेक्ट दिस आंसर, दिस हैज टू बी 4th, थर्ड करेक्शन। फ्लोयम इन जिम्नोस्पर्म्स, हमने पढ़ा था कि जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स हैज ओनली ट्रकीज नो वेसल्स, फ्लोयम इन जिम्नोस्पर्म्स हैज ओनली सीव ट्यूब कंपोनेंट्स या सीव ट्यूब सेल, पूरा का पूरा ट्यूब नहीं होता, और उसके पास कंपेनियन सेल्स नहीं होते, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, सो इट लैक्स बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स ओनली, सीव ट्यूब्स ओनली, इट हैज एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, इट लैक्स बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, दोनों लैक करता है, उसके पास सिर्फ सीव ट्यूब सेल होता है, पूरी की पूरी सीव ट्यूब नहीं होती है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर फाउंड इन साइक्लोस्टोम, हूज इज साइक्लोस्टोम, आपके पेट्रोमाइजॉन मिक्साइम, हिटीरो सर्कल कॉडल फिन, माने जो आपका टेल फिन है फिशेस के अंदर, एक बहुत ऊपर होता है, जैसा शार्क में देखा जाता है, कार्टिलेजिनस फिशेस, अ ब्लैडर बोनी फिशेस, वो स्विम कर सकते हैं, वो फ्लोट भी कर सकते हैं, पॉइजन ट्राइगोन, तो D1 किस किस में है, दो में है, अच्छा, और सी हमारा एयर ब्लैडर 4 किस में है, इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्यूलर एल्गा, ओके, तो क्लोरेला हमारा यूनिसेल्यूलर है, स्पाइरुलिना हमारा साइनोबैक्टीरिया है, उसको भी हम एल्गा मान लेते हैं, तो ये लैमिनेरिया और सार्गासम तो ब्राउन एल्गे है, फिलामेंटस केल्प लाइक होते हैं, जिलीडियम ग्रैसिलेरिया भी बड़े बड़े होते हैं, एनाबीना हमारा हो सकता है फिलामेंटस, बट वॉल्वॉक्स जो है वो आपका कोलोनियल होता है, तो वो भी नहीं होगा, सो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अमंगस्ट ऑल। स्ट्रॉबिला और कोन्स आर फाउंड इन, स्पेशली NCERT में लिखा है कि आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर दो प्लांट्स में आपको स्ट्रॉबिला और कोन देखने मिलते हैं, सेलाजिनेला एंड इक्विसिटम, तो यहाँ पे इक्विसिटम दिया है, तो आप उसको मार्क कर लोगे, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, हम बोलते हैं इसका ग्लाइकोजन जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन मैच, अच्छा, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्टोरेज फूड मटेरियल इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स, अब फ्लोरिडियन स्टार्च आ ही गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरिडियन स्टार्च किन की बॉडी में फूड स्टोर करने में हेल्प करता है, इज इट रेड एल्गा, ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गा, विच ऑफ द एल्गा, एंड अगर हम बात कर रहे हैं फूड स्टोरेज मटेरियल की, तो हमें हर किसी के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रीन एल्गा में फूड स्टोर करते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, रेड एल्गा में फूड स्टोर करते हैं तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, ब्राउन एल्गा में फूड स्टोर करते हैं तो आपके पास मैनिटॉल एंड लैमिनारिन में करते हैं, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, कितना मैच 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 आ रहा है रे, ग्रिगेरियस पेस्ट हम बोलते हैं कौन होता है, लोकस्ट, फिर एडल्ट विद रेडियल लार्वा विद बायलेटरल इकाइनोडर्म, कौन है इनमें से इकाइनोडर्म, स्टारफिश, एस्टीरियास उसका नाम है, बुक लंग्स किसके पास होंगी, स्कॉर्पियन के पास, स्कॉर्पियन का नाम क्या होता है, पैलमनियस, बायोल्यूमिनेसेंस कौन शो करते हैं, टीनोप्लाना आपका प्लूरो ब्रेकिया, तो D2 और D3 एक ही में है, हम उसी को मार्क करते हैं, अगेन एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछते हैं सिर्फ वो एनिमल किंगडम में, डिटेल में कुछ भी नहीं पूछते और सिर्फ NCERT वाला पूछते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो NCERT के बाहर वाला हो, सिवाय सिल्वर फिश का एक आधा क्वेश्चन जो उन्होंने दिया, पर वो एक्सक्लूजन मेथड से आप निकाल सकते थे।
Exactly. Which of the following statements are true? In Eurochordata, notochord extends from head to toe. Wrong. Toe नहीं, tail. सिर्फ tail में होता है उसमें. In vertebrata, notochord is present during the embryonic period only. Yes. In vertebrates, notochord embryo में ही होता है और हमारे पास adult में वो vertebral column में develop हो जाता है. ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो. यस. कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू हेमी कॉर्डेट, ट्यूनिकेट एंड सिफेलो कॉर्डेट. नो. दो बातें जो सही है वो बी एंड सी. बी. बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ए सीलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय. बाइलेटरली भी है और ए सीलोमेट भी है. प्लैटीहेलमिंथ्स. स्पेशली उस दिन हम बात कर रहे थे कि सीलोम में ए सीलोमेट कौन से हैं. प्लैटीहेलमिंथ्स, सूडोसीलोमेट, एस्के हेलमेंट्स और फिर एनेलीड से ट्रू सीलोमेट्स शुरू हो जाते हैं. टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट इम्यूनिटी एट मच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड. अब आपका ये 21-22 वाला पेपर आ गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे प्रोड्यूस कैरेगिनिन. रेड एल्गे प्रोड्यूस कैरेगिनिन. अब तो ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे. जेम्मा आर प्रेजेंट इन लिवरवर्ट्स, वो जो ग्रीन कलर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. जेनरा लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया आर हिटेरोस्पोरस, दे आर टेरिडोफाइट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोऑशियस. साइकस इज मोनोऑशियस और डायऑशियस. साइकस डायऑशियस होता है, कारा मोनोऑशियस होता है. वी हैव कारा विच इज मोनोऑशियस. मार्कैंशिया भी डायऑशियस होता है, साइकस भी डायऑशियस होता है, पपाया भी डायऑशियस होता है, कारा मोनोऑशियस होता है. Which of the following alga contains mannitol? आ गया food reserve mannitol. किसमें होता है? Brown. इनमें से brown कौन है? Ectocarpus. Volvox green है, Eulothrix green है, Gracilaria red है. Brown में होता है mannitol, तो वो brown कौन है? Ectocarpus. Match the column. चलो जी. Nitrosococcus. मैंने पहले ही बताया था, जो सोसो वाले हैं वो nitrite वाले हैं. Nitrite converting. Ammonia to nitrite. Rhizobium क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन टू अमोनिया. थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेशन, ये दूसरी बार आ गया. नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइड टू नाइट्रेट. D3 किस किस में है? इसमें है. दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. नो. ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर पैरासाइट्स. डेड के ऊपर खाने वाले को सैप्रोफाइट्स बोलते हैं. सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड शीट सेल्स. हम उनको हिटेरोसिस बोलेंगे. फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी, सिनगैमी. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया इज कॉल्ड कैरियोगैमी. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन ऑफ का प्लाज्मोगैमी कह सकते हो. यस. तो बाकी सब में से वो सबसे सही है. मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ्स. मेटाजेनेसिस ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, निडेरिया. इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सीलोमेट. ट्रू. राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल. ट्रू. कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स, हेल्प इन डाइजेशन. रॉन्ग. हेल्प इन लोकोमोशन. वॉटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स. ट्रू. हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट बी सी एंड ई आर करेक्ट? मैच द कॉलम. मेटामेरिज्म एनालीड्स. कैनाल सिस्टम पॉरीफेरेंस. कोम प्लेट्स टीनोफोरा. देखो कोम प्लेट्स पे कितना क्वेश्चन आ रहा है. नीडोब्लास्ट सीलेंट ट्रेड. सो D1 एक ही में है, वही हो जाएगा. Which one of the following belongs to the family Musidae, housefly? है ना, हमारे first chapter में classification table में housefly, उसका family, उसका order, उसका class सब हमें पता होना चाहिए. Which of the following organisms bears hollow pneumatic bones? Birds में होती है. इनमें से कौन birds है? Macropus mammal है. कौन आपका? Kangaroo marsupial. Ornithorhynchus duckbill platypus again mammal है. हेमीडेक्टाइलस आपका लिजर्ड है, रेप्टाइल. तो बचा एक. नियोफ्रॉन आपका वल्चर, जो कि हॉलो न्यूमैटिक बोन्स. अब देखो सिर्फ एक सिंपल कैरेक्टर था और साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल था. ये भी अभी यही 20-21-22 वाले पेपर चल रहे हैं. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फाइसिलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. लिमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल. इनसाइक्लोस्टोमा आपका हुक वर्म. पिंडरा पर्ल ओइस्टर. सो D1.
एक ही में है, ये वाले इजी होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच. इन फीमेल 7 to 9 स्टर्गा टुगेदर फॉर्म द जेनाइटल पाउच. हमें इनकरेक्ट बताने तो करेक्ट है. 10th अब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सका, ये भी बात सही है. अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सी के हिपैटिक सी के इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट. रॉन्ग. एक तो हिपैटिक सी के है, ऊपर से फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे होता है. मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे तो मालफीजियन टिब्यूल्स होते हैं. हाइपोफैरिंग्स मुंह में होता है, टंग की तरह एक्ट करता है. सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है. बट हिपैटिक सी के आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ये बात सही नहीं है. नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन. पांचवी बार आ रहा है ये क्वेश्चन. काइटिन काइटिन काइटिन, मिनिमम यू शुड नो अबाउट काइटिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच. एक्टोकार्पस के पास फ्यूकोजैंथीन है. एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गा है, ब्राउन एल्गा के पास फ्यूकोजैंथीन होता है. एल्गा एल्गा एल्गा. यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गा है, स्टोरेज फूड मटेरियल स्टार्च होता है. मैनिटॉल ब्राउन एल्गा में होता है. रॉन्ग. पॉर्फायरा रेड एल्गा है, स्टोरेज फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होता है. राइट. वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गा है, फ्लोरेज स्टूज मटेरियल स्टार्च होता है. राइट. तो मैनिटॉल वाला गलत हो गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ एलनस. एलनस आपका कौन है जो आपका सिम्बायोसिस शो करता है फ्रांकिया के साथ. तो फ्रांकिया. बीजी रिंकिया तो फ्री लिविंग है. रोडोस्पाइरुलम आपका फोटोसिंथेटिक है. हाइड्रोक्लोराइड कैरागिनिन इज ऑब्जर्व फ्रॉम रेड एल्गा. अब इसमें से रेड एल्गा कौन है? रोडोफाइसी ओनली, आपको और किसी में से नहीं मिलता. मैच द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट्स. ओके, तो हम बोलते हैं कि स्पायरोगायरा मेरा फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल करता है. डोमिनेंट हैप्लोइड, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. तो यही मेरा सही रख रहा है अभी तक तो, बाकी सब डोमिनेंट हैप्लोइड से. फर्न टेरिडोफाइट है, डोमिनेंट डिप्लोइड. स्पोरोफाइट विच इज वैस्कुलर विद रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट. फ्यूनेरिया डोमिनेंट हैप्लोइड, लीफी गैमेटोफाइट, ऑल्टरनेटिंग पार्शली विद डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर. साइकस डोमिनेंट डिप्लोइड, ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस गैमेटोफाइट, प्रोथैलस. सो D3 किस किस में है? इसमें और इसमें. सी क्या है मेरा? 4. C4 किस में है? D3 C4 किस में भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? फ्यूनेरिया 4 होना चाहिए ना. फ्यूनेरिया इज अ मॉस. मॉस हैज अ डोमिनेंट हैप्लोइड लीफी. व्हाई इज देयर नो C4? C4 C4 है ना. D1 है डोमिनेंट डिप्लोइड स्पोरोफाइट वैस्कुलर विद हाईली रिड्यूस्ड. ओ यहाँ गलत हो गए ना हम. इरेज इरेज. दोनों में डोमिनेंट था, इसमें रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है हाईली, तो वो साइकस हो जाएगा. और फर्न में रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट और लिखा हुआ है प्रोथैलस, तो ये वाला हो जाएगा. ठीक है ना. तो C4 D1 दिस इज द करेक्ट आंसर. देखो कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, तो पहले अपने मैचिंग कर लो और उसके बाद अपना आंसर ढूंढो, और अगर ना मैच करे तो कुछ तो भी गड़बड़ है. नेक्स्ट, टेक्मीना इन कॉकरोचेस अराइजेस फ्रॉम आपका मीजोथोरैक्स. ये हमारा फोर विंग होता है जो मीजोथोरैक्स से होता है. डार्क कलर्ड होता है, लेदरी होता है, कवर करने का काम होता है. इसका फ्लाइट में इसका कोई रोल नहीं होता. आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलिन. वो कोनिडियोस्पोर्स बनाते हैं. जूस्पोर्स फाइकोमाइसिटीज बनाते हैं. जेम्यूल्स आपके पॉलीफेरेंस बनाते हैं. बर्ड्स आपका हाइड्रा और यीस्ट बनाता है. इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. ये तो पिछले साल का ही पेपर है. और ये तो हमारा ही पेपर है. डिसेंडिंग आया था, अब असेंडिंग हो गया है, छोटे से बड़ा है ना. तो डिसेंडिंग होना चाहिए था. ये किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ये तो पिछले साल का ही पेपर है. और वी आर ऑन द लास्ट वन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज द डाइजेस्टिव ट्रैक हैव एडिशनल चेम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड. दूसरी बार आया ये क्वेश्चन क्रॉप एंड गिजर्ड का. और आप देखो 2-3 साल पहले, 5 साल पहले ही आया था ये, है ना. 2018-2017 में ही था ये क्रॉप गिजर्ड वाला, फिर आ गया. तो आप देखो कि जो आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी होते हैं एग्जैक्टली सेम. उसमें सिर्फ था एव्स और इसमें अब आपको एव्स चुनने हैं. तब आपको क्वेश्चन पूछा था कि किस में आएगा? एव्स में आएगा. ठीक है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू.
हम कौन से वाले क्वेश्चन पे, हम 298 पे है, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश। अगर मैं तुम्हारा एव्स ढूंढू है ना, या क्रॉप ढूंढू, तो क्रॉप कहाँ कहाँ आया था हमारा, किस में आया था, इसमें, और ये रहा, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन पहले, आप लगा लो हर बार क्लासिफिकेशन यूनिट से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका 2023 2015 का क्वेश्चन होगा। आई एम अज्यूमिंग 2015 16 का क्वेश्चन है ये, जो 2023 में आया था। डॉट रिपीट, डॉट रिपीट, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसमें एव्स था, इसमें हमें सारे ढूंढने हैं कि कौन से वाले एव्स हैं। ठीक है, तो जब हमें सारे ढूंढने हैं कौन से वाले एव्स हैं, तो हमारे पास जी कोर्वस एव है, क्रो, कोलंबा भी है, ठीक है, जो मेरा पिजन होता है, कैमिलियन तो मेरा जी वो होता है, क्या होता है, लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, बूफो मेरा टोड है, बैलेनोप्टेरा मेरी वेल है, तो ये भी मेरे नहीं है। बैंगरस कौन होता है, व्हाट इज बैंगरस साइंटिफिक नेम ऑफ, टिक टिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट्स अ स्नेक, मैंने बताया भी था, क्रेट का साइंटिफिक नेम होता है बैंगरस, कल स्पेशली बोला था, और देखो पिछले साल ही आया ये, और मेरे को फीलिंग सी आ रही थी कि बड़ा नया नया सा है। पॉइजनस स्नेक्स, कटला इज अ फिश, कोलंबा इज अ बर्ड पिजन, क्रोकोडाइलस इज अ रेप्टाइल, पावो पिस्टक्यूला कोर्वस, पावो पीकॉक, पिस्टक्यूला पैरेट, कोर्वस क्रो, साइंटिफिक नेम राजे, साइंटिफिक नेम, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ट्रू, क्योंकि वर्टिब्रेट्स वो कॉर्डेट्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप करती है, बट सब कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता, नोटोक्रॉस इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट वर्टिब्रेट्स, सही बात, जिनके पास नहीं होता उनमें नहीं होता, तो बोथ असर्शन रीजन इन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी की ऊपर नीचे की लाइन होगी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। Which of the following is a correct statement? Cyanobacteria are a group of autotrophic organism classified under kingdom Monera. Correct. Bacteria are exclusively heterotrophic. वो autotrophic भी होते हैं. Slime molds are saprotrophic. Kingdom Monera. No. Kingdom Protista. Mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. They do not have a cell wall. तो पहली बात ही सही है. चलो जी. So I think that was our last question. हल्ला हू, यू नो हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन, वी हैव डन 151 क्वेश्चंस, 302 मींस इनटू डबल, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, 151 क्वेश्चंस इन 1 hour 45 minutes, नॉट बैड, आई लाइक इट। सी माय ओनली आइडिया ऑफ टेलिंग यू अबाउट दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज कि बहुत सारे बच्चे हैं आज की डेट में, और यूजुअली ऐसा होता है कि जब एग्जाम बस 30 दिन पहले आके खड़ा होता है ना, तो उनकी नानी याद आ जाती है उन्हें, और उनके दिमाग की बत्ती जलती है कि मेरे पूरे साल तो पढ़ाई मैंने करी नहीं, और अब तो पेपर सर पे खड़ा है और मुझे कुछ आता है नहीं, हाय राम मैं क्या करूँ। वो एंग्जाइटी में हाय राम करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अगर कुछ नहीं कर सकते, यू नो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर सकते हो, प्लीज डू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव टारगेटेड कॉन्सेप्ट्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग यूनिट वाइज, कि अगर आपको एक एक यूनिट तैयार करना है, अब एक एक चैप्टर पूरा पूरा एनसीईआरटी से, मैं तुम्हें मैं नहीं बोलूंगी इस टाइम पे कि तुम पढ़ना शुरू करो और उसको रीड करो, नहीं, आप अपना यूनिट उठाओ, मैंने तुम्हारे लिए यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन सेग्रीगेट करके रखे फ्रॉम 2012 टू 2023, तुम कोई पेपर उठा के देख लो, उसका हर एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाला है, ठीक है, यूनिट वाइज वो क्वेश्चंस आपके लिए मैंने सेग्रीगेट करे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अगर वो यूनिट को तैयार करना है उन क्वेश्चंस को पढ़ लो, इनमें आप खुद भी देखोगे कि सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स थे, ऐसा कुछ नहीं था जो एकदम से ऐसा अलग सा नया सा बीच में से उठ के आ रहा था, एक आधा क्वेश्चन अगर कोई फैक्ट बेस्ड था तो था, अदरवाइज नहीं। सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मास्टर योर एल्गे, यू हैव टू मास्टर योर वायरस, यू हैव टू मास्टर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट,
सारे क्वेश्चंस आप देखो, लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट थे, गैमेटोफाइट डोमिनेंट, स्पोरोफाइट डोमिनेंट, गैमेटोफाइट रिड्यूस, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट, इट्स ऑल अबाउट उनकी लाइफ साइकिल कैसे है. सो इफ यू नो द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, यू नो एग्जाम्पल्स डेफिनेटली. एंड ज्यादा क्वेश्चन टेरिडोफाइट्स पे आए हैं मार्केट, तो एल्गे टेरिडोफाइट्स आपको आने चाहिए. कौन मोनोऑशियस डायऑशियस है ये आपको आना चाहिए. एनिमल किंगडम में क्राइटेरिया एग्जाम्पल्स आने चाहिए. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से साइनो बैक्टीरिया पे बहुत क्वेश्चन आए हैं. फंजाई पे इक्कू डिक्कू इक्कू डिक्कू क्वेश्चन आए. वायरसेस सुपर हिट, ठीक है. लिविंग वर्ल्ड में से इक्का दुक्का टैक्सोनॉमिकल एड पे क्वेश्चन आया. नॉमेनक्लेचर रूल पे क्वेश्चन आया. अग्री? वॉरियर, वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज. एंड फॉर एवरी वन मैं आपको बता दूं, मंडे वेंसडे फ्राइडे इज व्हाट आई हैव डेजिग्नेटेड फॉर दिस यूनिट वाइज डिस्कशन. यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, वी आर गोइंग टू गो इट इन सीक्वेंस. टुमारो, दैट इज एवरी ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे, वी आर गोइंग टू पुट अ इन ऐप टेस्ट. जितने भी लोगों के पास हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी है, वो हमारे उड़ानियन स्टूडेंट्स हैं, वो ऐप में टेस्ट दे सकते हैं. टेस्ट लिंक किया जाएगा, वही 9 AM to 9 PM. 50 questions का टेस्ट होगा, टाइम्ड टेस्ट होगा. आपको 20 मिनट्स में वो टेस्ट खत्म करना है. मैंने लेस देन हाफ टाइम रखा है. 50 questions, 20 मिनट्स. यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है. सो देयर इज अ टाइम टेस्ट एवरी ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे, बेस्ड ऑन व्हाट वी रीड ऑन यूट्यूब. दिस पर्टिकुलर सीरीज इज नोन एज बायोलॉजी का क्विक बायो रिविजन सीरीज, इज व्हाट वी हैव नेम्ड इट. और बैच का नाम भी, अगर कोई नया बच्चा रजिस्टर करना चाह रहे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको तो हमने ऑलरेडी उन्हीं के बैचेस में टेस्ट डाल के लिखा है. मैंने सब कुछ आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है. अगर कोई नया बच्चा जिसने इस साल उड़ान नहीं सब्सक्राइब किया है, उसके लिए भी ये टेस्ट अवेलेबल है ऐप में. देयर इज अ माइनर चार्ज ऑफ 103 रुपीज, क्योंकि मिनिमम 100 रुपये चार्ज करने पड़ते हैं, ऐप वालों का थोड़ा सा रूल है. तो क्या करें, बस आपको 100 रुपी फी सबमिट करना है. एंड उसमें यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज टेस्ट ऑफ बायोलॉजी यूनिट वाइज. वंस वी आर थ्रू विद बायोलॉजी, विल डू फिजिक्स, विल डू केमिस्ट्री. सो वी आर ट्राइंग टू वर्क विद यू. दीज टेस्ट विल बी यूनिट वाइज. जो आज यूनिट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, कल क्लासिफिकेशन का ही टेस्ट होगा. हाय बायो सेज, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम लाइव विद यू. आई एम हैप्पी दैट यू आर देयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना. आ गए हो वापस, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. ओके, यस निशा, वी आर गोइंग टू हैव दीज लाइव सेशंस एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एट 5 o'clock इन द इवनिंग, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट वाइज 2012 to 2023. ओके डोकी, आई लव यू ऑल. प्लीज स्टे मोटिवेटेड. मुझे ना आजकल, तुम्हें बताओ, मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छा गाना कौन सा लग रहा है? तुमने वो नया ट्रैक सुना है पेप्सी का, हारी पासी को जीतना जिसे आता है. सो आई वॉन्ट कि जिसने तैयारी नहीं भी करी है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी एग्जाम क्लियर कर सकता है. सिर्फ पॉजिटिव रहने की जरूरत है. यू हैव टू राइज अप लाइक पेप्सी. तो हमने वॉरियर ना स्प्राइट छोड़ना बोलना छोड़ दिया हुआ है. अब हमको स्प्राइट क्लियर या हमें वो डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू भी नहीं. आजकल मेरा नया कार्बोनेटेड ड्रिंक वाला फंडा है क्या, पेप्सी राइज अप. सो वी आर गोइंग टू राइज अप एंड वी आर गोइंग टू गो वंडर्स विद आर एग्जामिनेशन. ओके, एग्जैक्टली. चले, आई वॉज लवली टू हैव यू ऑल विद द सेशन. आई एम गोना सी यू ऑल अगेन ऑन फ्राइडे. एंड फ्राइडे वी आर गोना टेकिंग द सेकेंड यूनिट, दैट इज मॉर्फोलॉजी यूनिट. मॉर्फोलॉजी यूनिट में प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, एनिमल मॉर्फोलॉजी, एनिमल टिश्यूज, वी आर गोना बी टेकिंग ऑल ऑफ इट. टुमारो यू विल बी राइटिंग इन ऐप टेस्ट. It is going to be open from 9 AM to 9 PM. 50 questions, 20 minutes. Whenever you are ready for classification, go ahead and shoot and give it. Okay? Ta-da! See you again day after tomorrow.